जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं ये प्रसिद्ध कथन शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का है ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान देने वाले सरदार भगत सिंह की भारतीय जनमानस पर गहरी छाप है भगत सिंह भारत के स्वाधीनता संग्राम के ऐसे नायक थे जिन्होंने एक और अपनी देशभक्ति से विदेशी हुकूमत को घुटने पर लाने का काम किया वहीं दूसरी ओर अपने विचारों से स्वतंत्रता संघर्ष में अलग अलग बंटे भारत को एक करने का काम किया उनके क्रांतिकारी विचारों ने भारतीय युवा को उद्वेलित कर दिया उनके जीने के तरीकों और विचारों से आज भी हर भारतीय प्रेरणा के लिए उनकी ओर देखता है अधिकांश लोग भगत सिंह को मात्र एक क्रांतिकारी मानते हैं परंतु भगत सिंह मात्र एक क्रांतिकारी ही नहीं एक विचार है एक दर्शन है ये भगत सिंह की सोच ही थी जिसने क्रांतिकारी गतिविधियों को एक दार्शनिक आयाम दिया सरदार भगत सिंह की जेल नोटबुक मिलने के बाद भगत सिंह के चिंतनशील व्यक्तित्व की व्यापकता और संवेदनशीलता पर और अधिक प्रकाश पड़ा है अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भगत सिंह का मन व्यक्तिक हत्या और हिंसक गतिविधियों से विरक्त हो गया था उनका प्रसिद्ध वक्तव्य था पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की सन पर तेज होती है भगत सिंह का मार्क्सवाद तथा समाज के संबंध में मार्क्स की वर्गीय अवधारणा में वो पूर्ण विश्वास करते थे वे कहते थे किसानों और गरीबों को सिर्फ विदेशी शोषणकर्ताओं से ही मुक्त नहीं होना है अपितु उन्हें पूंजीपतियों और जमींदारों के चुंगुल से भी मुक्त होना है जेल में वो सारी मानव जाति के हित में अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संपदा पर वितरण हेतु विश्व समाजवादी क्रांति के विचारों में लीन रहे जेल डायरी के पृष्ठ एक पर उन्होंने लिखा समाजवादी व्यवस्था प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार यही विचार उनके भारत नौजवान सभा के गठन के समय युवाओं को सशक्त करने में दिखाई दिए यदि वो अधिक समय तक जीवित रहते तो उनमें वह प्रतिभा थी कि वह राष्ट्र के भविष्य को भी निर्धारित कर सकते थे भगत सिंह तब 12 साल के थे स्कूल से सीधे घर वापस नहीं आए संतरियों की नजर बचाकर मैदान में गए थोड़ी सी मिट्टी बटोरी घर वापसी में गुमसुम थे बहन बीबी अमर कौर ने पूछा था कहाँ थे माँ कब से इंतजार कर रही है खाने के लिए पूछा तो भगत सिंह उस समय भोजन को भूल गए थे बहन को मिट्टी दिखाई और उसे पूजा स्थल पर रखा प्रणाम करने को कहा ये मिट्टी देशवासियों के खून से रंगी है ये जलिया वाला बाग की मिट्टी थी ऐसे थे भगत सिंह जिनका बचपन भारत की आजादी के जज्बे के साथ साथ शुरू हुआ था भगत सिंह जब सोलह साल के थे तब विवाह के लिए दादी का दबाव था जब नहीं मानी तो घर छोड़कर कानपुर आ गए और पिता के नाम पत्र छोड़ा था जिसमें लिखा था मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी ए हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और बुनियादी खाशात बाई से कशिश नहीं है आपको याद होगा जब मैं छोटा था तो बापू बाबा अर्जुन सिंह ने मेरी धागा बंदनी के दौरान ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया लिहाजा मैं उस वक्त के पूरे होने का इंतजार कर रहा हूँ पिताजी उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे अपने साथियों से भगत सिंह कहते थे कि मेरे दो चाचा आज़ादी की लड़ाई के रास्ते चले और अपने पीछे दो विधवाएं छोड़ गए क्या मैं किसी का सुहाग उजाड़ के जाऊं ऐसा मैं नहीं कर सकता 17 दिसंबर 1928 को असिस्टेंट जे जेपी सांडर्स पर गोलियां बरसाई और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में तो रहते थे लेकिन अध्ययनशील थे नियमित लाइब्रेरी जाते थे जब भी उन्हें समय लगता था उनका कहना था हमें साफ करना होगा कि क्रांति का मतलब सिर्फ उथल पुथल नहीं है क्रांति में एक नए और बेहतर आधार पर समाज की पुनर्रचना जरूरी है इसके लिए मौजूदा व्यवस्था को ध्वस्त करना होता है भगत सिंह और उनके साथी हिंसक गतिविधियों को पर्याप्त नहीं मानते थे अब वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जो जनमानस को उद्वेलित करे और सरकार को सुनना जरूरी पड़े इस बार असेंबली का मंच चुना गया साथ ही गिरफ्तारी देने का फैसला लिया गया ताकि सरकार का आरोप कि क्रांतिकारी हत्यारे होते हैं इसको गलत साबित किया जाए 8 अप्रैल उन्नीस की सुबह ग्यारह बजे सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त द्वारा फेंके गए बमों की गूंज दूर तक हुई सरकार और नौकरशाही बुरी तरह हिल गई। गिरफ्तारी हुई सजा हुई लेकिन जब भी उनको अदालत लाया या ले जाया जाता तो इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध नारे गूंजते। गौरा जा गौरा जा गोरा जा के नारों से भगत सिंह और साथ ही देश प्रेम को दिखाते हर बार हर अदालत में अपने को बचाने के बजाय इन नव युवकों ने देशभक्ति की भावना के प्रचार को ज्यादा महत्व दिया सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमा हम अभी से क्या बताएं? क्या हमारे दिल में है इन जज्बातों के साथ ये नौजवान अपनी सजा को भुगत रहे थे सात अक्टूबर 1930 को अदालत ने 300 पेज का फैसला दिया फैसले ने भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु के लिए फांसी की सजा तय की इस फैसले से देश में दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। छात्र फिर सड़कों पर थे गांधी जी पर भी जन दबाव था उन्होंने वाइस राय इरविंद से मुलाकात में जिक्र किया पत्र लिखा किंतु कोई नतीजा नहीं निकला भगत सिंह की मां विद्यावती मदन मोहन मालवीय के प्रतिवेदन भी खारिज किए गए पर खुद ये आज़ादी के सिपाही अपने सर्वोच्च बलिदान को तत्पर थे हथियारों की टोली और बिगड़े हुए नौजवानों का कलंक माना ये धोना चाहते थे नज़ीर पेश करना चाहते थे कि देश की आज़ादी के आगे उनके लिए प्राणों का कोई मूल्य नहीं है जेल में जब उनसे अपना बचाव न करने का कारण जाना जाता तो भगत सिंह का जवाब होता था इनकलाबियों को मरना पड़ता है उनके बलिदान से उनके मकसद को मंजूरी मिलती है न कि अदालत में अपील से। सरदार भगत सिंह अल्पायु में भी वो कार्य कर गए जो एक मनुष्य सौ वर्ष में भी नहीं कर पाता फांसी के दो घंटे पहले उनकी आखिरी इच्छा जानने के लिए वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने में कामयाब रहे भगत सिंह कोठरी में चहलकदमी कर रहे थे मुस्कुराते हुए भगत सिंह ने किताब द रिवोल्यूशनरी लेनिन के बारे में जानकारी मांगी मेहता ने किताब उनकी ओर बढ़ाई भगत सिंह की नजरें किताब पर थी मेहता ने पूछा कोई संदेश किताब पलटते हुए भगत सिंह बोले साम्राज्यवाद मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद मेहता ने पूछा कैसा महसूस कर रहे हैं? हमेशा की तरह खुश आखिरी इच्छा हाँ मैं इसी देश में फिर जन्म लेना चाहूंगा ताकि मैं फिर उसकी सेवा कर सकू मेता के लौटते समय भगत सिंह ने सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू को धन्यवाद देने के लिए कहा क्योंकि उनके मामले में दोनों ने बड़ी कोशिश की थी राजगुरु ने कहा कि हम जल्द फिर मिलेंगे 23 मार्च 1931 की शाम तीनों को बताया गया कि अगले दिन सुबह की जगह उसी शाम फांसी होगी फांसी के लिए कोठरियों से उनको निकाला गया उनका वजन किया गया आखिरी स्नान को कहा वार्डन चरत सिंह भगत सिंह से स्नेही करने लगे थे आखिरी समय वाहि गुरु का नाम लेने के लिए वो कान में फुसफुसाए। भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा मैंने उसे कभी याद नहीं किया करूँगा तो कहेगा कि कितना डरपोक है मौत मौत देखकर मुझे याद कर रहा है फांसी के लिए जाते समय तीनों गा रहे थे कभी वो भी दिन आएगा जब हम आजाद होंगे ये अपनी ही जमी होगी ये अपना आसमा होगा तीनों वीरों ने अपने बलिदान को दिया और मातृभूमि के लिए प्राणों को बलिदान कर दिया अगली सुबह पूरा पंजाब सड़कों पर था देश के अन्य हिस्सों का भी यही हाल था परिवार से अपनी आखिरी मुलाकातों में भगत सिंह ने कहा था जो काम मैं जिंदगी में पूरा नहीं कर पाया उसे मेरी मौत पूरा करेगी और वह सच होता नजर आ रहा था ब्रिटिश सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी सरदार भगत सिंह के संपूर्ण व्यक्तित्व को देखा जाए तो उन्हें मात्र क्रांतिकारी संबोधित करना न्याय संगत न होगा अपितु वो एक सशक्त क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक विचारक चिंतक और बुद्धिजीवी व्यक्तित्व थे वे अन्य क्रांतिकारियों से कुछ अलग थे क्योंकि वे राष्ट्र निर्माण का अपना वैकल्पिक विचार रखते थे सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में भगत सिंह युवाओं में नई जागृति के प्रतीक बन गए थे ऐसे महामानव सरदार भगत सिंह और उनके साथियों को समस्त देशवासियों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी जय हिंद जय भारत